क्या हाल चाल दोस्तों, हमने अलग अलग स्मार्टफोन ट्राई कर रखे हैं, कहीं रोल होने वाले, फोल्ड होने वाले, सब ट्राई कर रखे हैं, पर ये वाला गेमर्स के लिए स्पेशल बना है। इसमें पंखे लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसर, सबसे ज्यादा फास्ट स्टोरेज, कैमरे के अंदर लाइट एंटर लगा रखे, पता नहीं क्या बन रहा है, चेकिंग कर ले उसके बाद पूरी जन्मपत्री लिख रखी है अलग भाषा में, क्यों बाहर जाए, इंडिया में भी रिलीज नहीं हुआ, उससे पहले ही बना देंगे भाई, एक्साइटमेंट हो रही है भाई खोलने। अंदर रेड मैजिक लिखा हुआ चमकीले वाले, उसके अंदर भाई ये क्या लगा रखा भाई, ये हॉगवर्ड्स का सेमी इजेक्टर टूल लगा रखा है, ये भाई जैसा दिख रहा है ना भाई, देख रहे हो भाई के ऐप्स देख रहे हो भाई। मैं बताऊँ एक सीक्रेट, अगर आपको नींद ना आ रही हो ना ये पढ़ लो, मैंने कर रखा है, मैं एक्सपीरियंस है भाई, 10 साल से कर रहा हूँ मैं, ये अच्छी लग रही है, थोड़ा मोटा मोटा था बट क्वालिटी सही लग रही है। चार्जर भी जो वो भी काफी चमकीला था, 80 वॉट का है भाई, मेरे ख्याल से अगर इसके अंदर बैटरी बहुत ज्यादा नहीं है तो एक चार्जिंग कम है, तो ये देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीजें आ रही है। ओ भाई ये क्या, ये क्या बना दिया है, कुछ अलग ही लग रहा है। ये है नूबिया का रेड मैजिक 8 प्रो। अलग से डिजाइन है, बैक साइड पूरी फ्लैट है, साइड्स भी पूरी फ्लैट फ्लैट एकदम, मतलब ईंट ही लग रहा है भाई, ये बहुत ही नुकीला सा है यार, ऐसा लग रहा है लोहे का स्लैब पकड़ लिया बट हाथ में पकड़ने में काफी डिफरेंट सा लग रहा है। एक तो मैंने एक चीज नोटिस करी, पूरा पता हर जगह से ऐसे सफाट सा लग रहा है, यूजुअली जितने फोन होते हैं साइड से भी थोड़े से ऐसे राउंडेड से होते हैं, एकदम ही सफाट, मतलब ऐसा अगर मैं किसी के मुंह पे मार दूं निशान आ जाए। कैमरा और बैक साइड का ग्लास है दोनों सेम है, टेबल पर रख के मस्त टाइपिंग करो, गेम वेम खेलनी है भाई 4 फिंगर से, ये नॉर्मल फोन में अगर आप 4 फिंगर से करो आवाजें करेगा, ये कोई आवाज नहीं भाई, तबला मत बजाना बस, ये भाई का स्टाइल है बस। इस स्मार्टफोन के अंदर 3 ऐसे फीचर है जो आपको किसी भी और स्मार्टफोन में नहीं देखने के लिए मिलते। इसमें मेरे को एक चीज फील हो रही है, बैक साइड वाला जो ग्लास होता है और जो कैमरा वाला ग्लास है वो अलग इसलिए होता है ताकि कैमरे वाला बेटर क्वालिटी का हो, उसमें स्क्रैच ना, बट फ्लैश का बेचारे का एक अलग से छेद देना पड़ा, इसलिए होगा क्योंकि अगर इसको फ्लैश को ग्लास के अंदर दे दिया ना, फोटो खींचो फ्लैश मारो वो फ्लैश कांच से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे इसके अंदर कैमरे के अंदर चला जाएगा, वाह ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और यहाँ पे देखो ये दे रखा, आपको लग रहा है यहाँ पे स्पीकर क्यों दे रखा, स्पीकर नहीं है भाई, ये है हवाई, हवा नहीं करते ना ऐसे। अभी ज्यादातर जो फोन हैं आपके उसमें दिक्कत क्या है कि देखो आप उनको बैटरी देते हो, खाना देते हो, सब कुछ देते हो, उनके अंदर की हवा नहीं निकल पाती, अब डकार वगार मार, तो इसके लिए ये इसका मुंह है, इस तरफ से हवा जाती है और इस तरफ से निकल जाती है, ये कूलिंग सिस्टम है भाई फोन का पूरा, ठीक है। ओ भाई ये है फ्लैगशिप फोन, बढ़िया देखो हेडफोन जाएगा भाई, मजाक हो रहा है क्या, यहाँ पे स्पीकर लगा रखा है, इंफ्रारेड वाला वो लगा रखा है, आपको नीचे की साइड पे स्पीकर यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है भाई, राइट साइड पूरी कंफ्यूज कर दिया भाई मेरे को। इसमें भाई तेरे को समझ में आ रहा है पावर बटन कौन सा, ये पावर बटन जैसा लग रहा है, ये वॉल्यूम बटन जैसा रहा है, ये कैमरे वाले तो लग रहा है ऐसे ही होता है गोल गोल कैमरे वाला होता है, और ये वाला बटन बढ़िया दबता नहीं है, ये वाला बटन दब नहीं रहा, ये वाला बटन दबाओ तो ये ऑन जाता है, मजा तो आएगा आपको। डिस्प्ले देखो यार एक बार भाई, ये देखो ऐसा चौकोर फोन आपने देखा कभी, नूबिया के पहले भी आए थे बट इतना नुकीले नहीं थे भाई उस साइड से, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना नॉर्मल फोन होता है ना आपको उंगली नीचे से यहाँ साइड में लेके जानी है तो इसमें दर्द हो जाएगा, ऐसे उंगली नीचे साइड में लेके जाना, मजाक कर रहा था इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें मेरे को एक चीज फील हो रही है, गेमिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखा, कैमरे चाहे पतले छोटे कर दूं बट जैसे स्पीकर एक इस साइड लगा रखा है और एक इस साइड लगा रखा है, ये पता क्यों है कि अगर आप समझ लो ऐसे पकड़े खेल रहे हो, अगर आपने नीचे से पकड़ा हुआ है तो ये साइड वाला स्पीकर बजेगा, अगर ऐसे पकड़े खेल रहे हो तो ये वाला स्पीकर बज जाएगा। इसमें बेजल्स बहुत ज्यादा पतली है और काफी ना अलग सा लग रहा है फोन, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी भी है ना स्क्रीन, 6.8 इंचेस का 120 हर्ट्ज ओलेड पैनल लगा रखा है, टच सैम्पलिंग रेट 2000 हर्ट्ज का, और ये ना पता चलता है मतलब जब आप ऐसे फोन चलाओगे ना जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है कॉन्ट्रास्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है भाई, ये दुनिया का पहला फोन है जिसमें सेल्फी कैमरा नहीं दे रखा, अब गेमर सेल्फी थोड़ा खींचेगा यार, गेमर को जरूरत ही नहीं है सेल्फी खींचने की यार, दर्द नहीं समझ रहा गेमर का भाई, मजाक कर रहा है, सेल्फी कैमरा दे रखा है बट छुपा रखा है, ये देखो ये रहा, आहा आपको फोटो भेज दूं, देखो भाई इसने भाई की फोटो तो अच्छी खींचती है क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं, अच्छी यार वैसे धुंधली सी है ये, मतलब बहुत ही फेडेड सी फोटो है, थोड़ा इसने वो कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट करके कुछ कर दिया है इसने, ये देखो विंकी की फोटो कैसी अजीब से धुंधली सी कर दी है, यहाँ पे लाइट आ रही है ना साइड में और ऊपर ही देखो ट्यूबलाइट को क्या भूत बना दिया, मेरी आंखों की क्वालिटी है देखो, आंखों में पूरा लालपन गायब कर दिया, उम्मीद नशे वसे होती है आंखों में, ऐसा लग रहा है कोलगेट लगाता हूँ, कोलगेट है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ कोलगेट, सॉरी धोखा कर दिया इन्होंने भाई, ये क्या हुआ, ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ना दो, मैंने ना कैमरा में चला ही रहा था हल्का था, यहाँ पे दो कैमरे, नीचे कैमरे ही नहीं है, ये क्या है,
छेदता है यहाँ पे तो। अरे तो पंखा है नीचे, यहाँ पे स्क्रू लगाना भूल गया। अच्छा यहाँ पे एक और कैमरा है भाई। वैसे मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने इसके अंदर नोटिस करी। एक तो वाइब्रेशन मोटर काफी प्यारी लग रही है, हल्का सा ही ऐसा थुचुक सा आता है वाइब्रेशन। अपने पैरों पे खड़ा होना हम सबको सीखना पड़ेगा, मजाक नहीं है। ये हैंड स्टैंड भी मार लेता है, साइड स्टैंड भी मार लेता है भाई। गेमिंग ऐसी करी जाती है आपको भाई, अगर मूवी देखने मनो कोई दिक्कत नहीं भाई। वो नहीं होता इसमें चेक करते ना बराबर पे है कि नहीं, वो भी इससे हो जाता है। ये कूल दिख रहा है ना, यहाँ से हवा नहीं, यहाँ से भी लाइट दिख रही। ओ भाई यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट आ रखी है, यहाँ पे भी जल रही है भाई। ये जो बटन है इसके ऊपर भी लाइट है, वो पर्पल कलर की जल रही है, यहाँ पे पर्पल। ये देखो मैं पंखा बंद करके ऑन करूंगा ना, ये देखो पंखे में जंग भर गई थी, आवाज कर रहा है यार। इसमें ना मेरे को एक चीज फील हुई कि मतलब ये ना बहुत अनकंफर्टेबल है। जैसे अगर आप गेम खेल रहे हो तब बढ़िया है, तब सारे बटन एकदम सही जगह पे, पर अगर आप ऐसे नॉर्मल पकड़ रहे हो ना इसको, तो आपका हाथ हमेशा किसी ना किसी बटन के ऊपर ही रहे और गलती तब भी जाते, मतलब पकड़ने में अनकंफर्टेबल थोड़ा सा रहता ही है भाई। इसको वही बनाया कि इसको फोन खरीदा बस गेम खेलो और कुछ मत करो, अब नॉर्मल पकड़ोगे भाई दर्द होने लगे। मेरे को एक चीज ये भी लगी कि भाई गेम जब बंदा खेलेगा तो ऐसे यहाँ पे हाथ में ऐसे निशान आ जाए, 100% ऐसे निशान आएगा हाथ में, यहाँ पे ऐसे घुसा रहेगा ना पूरे। मेरे तो अभी ये वाली लकीर नहीं थी मेरी पहले, ये वाली लाइन अभी बनी है नूबिया से। नूबिया ने भाई फ्यूचर चेंज कर दिया इसमें भाई। खुश हो जाता है फोन बहुत। मैं इसको हल्का सा भी कुछ दे दूँ ना, जब हल्का खाना खिला दूंगा भाई को। भाई ये लाइट जल गई, ये लाइट जल गई, ये भी जल गई, सब कुछ जल गया भाई। गर्म हवा आ रही है भाई बाहर, मजाक नहीं। इन्होंने ना वो चेंज कर दिया आइकन पैक, अब मेरे को मेरी ना सेटिंग्स पता नहीं कहाँ कर रखा है। अब ये किसका आइकन है मेरे को समझ नहीं आ रहा, तलवार का आइकन है। इस फोन के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है फीचर ऐड कर रखे जो भाई काफी अलग से ही है। क्विक सेटिंग्स में जाके आप काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हो। आप रिफ्रेश रेट वहीं से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, बाईपास चार्जिंग करके। बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं है बाईपास चार्जिंग में क्या होता है, जो आपका केबल लगा रहे हो उससे चार्जिंग नहीं होती, बैटरी का यूज ही नहीं होता, तो बैटरी आपकी गर्म नहीं होती। क्योंकि फोन में जब भी आप चार्जर लगाओगे ना, पहले बैटरी चार्ज होती रहती है तो वो गर्म हो जाती है, उसकी वजह से पूरा फोन और गर्म हो जाता है। कूलिंग फैन का स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, लाइट स्ट्रिप बैक साइड की तरफ अलग, सारी लाइटों को जिस हिसाब से आपको जिस कलर में करना है वो सारे रहे अलग अलग कलर में। इनकॉग्निटो मोड अगर आप चला रहे हो तो वो भी भाई आपका कैमरा माइक लोकेशन कुछ नहीं देख पाएगा, तो ये प्राइवेसी वाले भी थोड़ी थोड़ी चीजें। इसका सेटिंग्स भी मैंने खोला था एंड काफी ज्यादा डिफरेंट फील हुआ मेरे को जैसे नॉर्मल फोन्स में होता है। जैसे इसमें थीम की भी पूरी सेटिंग्स इसके अंदर लगा रखी है, जैसे आप सभी कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। बट सबसे अलग मेरे को भाई अपना एनिमेशन की आप स्पीड चेंज कर सकते हो, डायल पैड के टोन को आप चेंज कर सकते हो भाई। पियानो वियानो बजाना है, देखो दिखाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बजा दे भाई, मुझे पता था मेरे अंदर ये टैलेंट है। ये अगर आप बजाते होंगे ना तो नूबी वाले आपके घर पे केक भिजवा देंगे। स्क्रीन लॉक करने की आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। कूलिंग फैन में भी अलग अलग मोड लगा रखे हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे आपको तेज बजाना है। फैन की लाइट्स भी अगर आपको चेंज करनी है, फैन की आवाज भी अगर आपको चेंज करनी है वो भी हो जाती है। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले भी काफी सारे एनिमेशन इसके अंदर लगा रखे हैं, आप खुद की फोटो भी लगा सकते हो। मत लगाना अपनी फोटो को, लगा था यार मैं उसको दांत से टच करके देखिए, खून निकला है भाई। सॉलिड ईंट जैसे तो, बट वेट बैलेंस ही हो रहा है। जैसे कुछ कुछ होता है ना लुढ़कने लगते हैं पीछे की तरफ भाई। पंखे की आवाज सुनाओगे, ये देखो भाई अलग से लग रहा है, कान में ना गुदगुदी लगती है हल्की सी। एक चीज मेरे को ना थोड़ी सी अजीब लगी, इसका ना यूआई थोड़ा अजीब है भाई। ठीक है बढ़िया बढ़िया फीचर डाल रखे, बट मेरे को मिली सेटिंग्स मिल रही है। यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट में क्या बना दिया लेजर वाले बंदा, उसमें ऐसा लग रहा है कि डॉगी का हेलमेट बना दी। फिर इसमें देखो घड़ी का बना रखे, ऐसा सीडी लग रही है, बट थोड़ा काम चला लेंगे। एक थोड़ा सा वो चीटिंग कर देते हैं, इसमें एनिमेशन ना थोड़ा फास्ट कर देता है स्पीड, तो एकदम झुक झुक तो स्पीड फास्ट करता है, आपको लगता है बड़े। दो कैमरा फोटो, कैमरा खोलने में टाइम लगा, तो एक्चुअल तेज है नहीं लग रहा, बस फील हो रहा। सबसे तेज पता फोन कौन सा था, नोकिया 3310, उसमें फोन वाले बड़ा था चक भाई, कोई एनिमेशन कोई नहीं, एक सेकंड में आता था, कोई लैग नहीं मारता था। 10,000 की फोन लैग मार रहा, फ्लैगशिप फोन लैग मार रहा, स्नेक में एक फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा था भाई। इस फोन के अंदर 6500 mAh बैटरी भाई, पकड़ने में अच्छा खासा हैवी है। ये अभी तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन एक फ्लैगशिप फोन के हिसाब से भाई बहुत सॉलिड है। और गेम में आपकी पूरे दिन चलेगी बिल्कुल, मजाक नहीं। मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, 88 से 87% हुआ अभी। और एक चीज मेरे को फील होती है, इसका ना स्पीकर बहुत तगड़ा। अब मेरे को दुख नहीं हो रहा भाई 80 वॉट चार्जिंग भाई, 6500 बैटरी क्या करेंगे। UFS 4.0 स्टोरेज लगा रखी है, 12 GB LPDDR5X RAM लगा रखी है, और Snapdragon लेटेस्ट 8 Gen 3 लगा रखा है। 8 Gen 3 अभी लेटेस्ट सबसे टॉप का प्रोसेसर है, ये बेस्ट प्रोसेसर है एंड्रॉइड, तो ऑटोमेटिकली सबसे पावरफुल बन जाता है। प्लस कूलिंग वूलिंग सब लगा रखी है, तो इसमें ज्यादा बेटर परफॉर्म करना चाहिए भाई। सारी चीजें बढ़िया है बड़े, जब तक गेम नहीं बढ़िया चल रहा ना तब तक कुछ नहीं है। गेम की चेकिंग कर रही है, लेट्स गो गेम खेलेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ लाइट जला दी, बटन के ऊपर अलग अलग लाइट।
बस तो जैसे टैप करो ना देखो यहाँ पे एक बटन क्विक। ओ भाई ये भी लाइट जल गई। दो भाई इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल आ गए भाई। इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, एक्टिव मोड, एम वॉइस, रिकॉर्डिंग। पहले तो गेम खेल के देखते हैं भाई, फुल सेटिंग भी चलेगी भाई। क्या पहला मजा आएगा भाई। यहाँ पे ना आप एक्चुअली मोड वोड चेंज कर सकते हो। इसमें इको बैलेंस राइज कर दिया मैंने, ब्लॉक सारे नोटिफिकेशन भाई। इसमें हैक दे रखे हैं वैसे बट चल नहीं रहे मेरे से। ये ऑटो एम वाला फीचर दे रखा है। यहाँ पे फोटो आप अटैच कर दो कि भाई कौन सा एनिमी आएगा, और जैसे ऐसे एनिमी आपको दिख गया ना, ये एनिमी, और इसके बाद आपको बस करना है कि यहाँ पे टैप हो जाए कोऑर्डिनेट पे। जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेटअप हो जाता है, इस पर टैप हो जाए फायर पे। ट्राई करके देखा बट हो नहीं रहा, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ मे भी भाई। कॉल ऑफ ड्यूटी की आवाज़ नहीं चल रही। पबजी एक्चुअली कम उस पर चल रहा था, ये 120 FPS पे चल रहा है भाई। कॉल ऑफ ड्यूटी मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा है क्या मक्खन से चल रहा है यार, अलग सा कुछ लग रहा है भाई। गेम वेम खेलते ना बहुत सारे फीचर ऐड करके इसमें। सीपीयू का गीगाहर्ट्ज़ देख सकते हो, जीपीयू का परफॉर्मेंस भी बता देता है। यहाँ से भाई स्टार्ट हो जाता है फैन। एंड गेम खेलते भाई भाई आपको वॉल्यूम ब्राइटनेस बढ़ाने हो तो भाई दोनों बढ़ जाते हैं। आपको गेम खेलते समय रिफ्रेश रेट भी चेंज करना हो, गेम की रिकॉर्डिंग भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो। बाईपास चार्जिंग दे रखा है, बिना चार्जिंग के फोन चलता रहेगा। बड़ी लाइव FPS भी आप इसमें देख सकते हो, जैसे अर्ली गेम खेल रहे हैं। तो फास्ट चार्जिंग से होता क्या है कि अगर बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं तो फोन ज्यादा गर्म भी हो जाता है, इसमें वो चैलेंज नहीं आता। बैटरी आराम से भाई पूरा चार्जिंग लेती रहती है, और कूलिंग वूलिंग वाला भी सिस्टम ऐड कर रखा है, ऑटोमेटिकली कूल भी होता रहता है। गेम की स्क्रीन आप फ्रीज या फिर लॉक भी कर सकते हो, तो कहीं मतलब आपका अगर ऐसे स्टेटस बार कभी खुल जाते हैं, साइड बैड कभी खुल जाता है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आप अपना गेम पे पूरा फोकस भाई। अब आ गया सबसे मजेदार टाइम, चार गेम एक बार में टेस्ट करेंगे। GTA 5 आई नहीं है फोन पे, नहीं है। GTA 6 भी नहीं आई। GTA Vice City सबसे पहले चलाएंगे, फिर चलाएंगे रियल रेसिंग 3, ये 120 FPS पे चल रही है। जेंशन इंपैक्ट भाई 60 FPS पे चल रही है। BGMI 60 FPS पे चल रही है। ये सारी गेम चला ली भाई, अब देखते पहली वाली है चल रही है। ओ भाई चल रही। ऐसे हो थोड़े अतरंगी टाइप फोन होते हैं ना भाई, इनमें अलग मजा आता है। फीचर भी इसके अंदर पूरे भर भर के डाल रखे हैं, गेमिंग वेमिंग वाले फीचर ऐड कर रखे हैं। देखो इसको गेमिंग के अलावा और किसी भी चीज के लिए लेना है तो ऐसा ही नहीं। मूवी फोन देखने के लिए लेना बेटर फोन मिल जाते हैं, कैमरे के लिए चाहिए बेटर फोन मिल जाते हैं, इसको बनाया ही नहीं गया किसी और चीज के लिए, बट गेमिंग के लिए लेना है बट डेफिनेटली मजा आ जाएगा भाई। इसमें हैक वाले भी चीजें डाल रखी, कोशिश पूरी करिए सारे जुगाड़ की भाई एम बॉट सब लग जाए, बट कर नहीं पाए कि भाई एम बॉट जिन लोगों को नहीं पता, ऐसे स्क्रीन पे दिखे बंदा अपने आप गोली मारे फोन घूम घूम के। ये सब भी फोन के अंदर आने लगा इनबिल्ट फीचर भाई, कुछ अलग ही हो रहा है। बट ठीक है, इस वाले को हमने बाहर से मंगा रखा है, बट इंडिया में अगर आप इसको मंगाते हो तो कन्वर्ट करके मैं बताता हूं 50,000 52,000 के अराउंड का पड़ जाएगा, बट आपको कस्टम थोड़ा बहुत पे करना पड़ जाएगा, तो 60,000 का मान लो। मेरे को काफी मजा है, काफी देर गेम खेली भाई, गर्म बिल्कुल नहीं हुआ, पूरी परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्वालिटी मिली। गेमिंग के लेना भाई डेफिनेटली तगड़ा फोन। आई होप आपको मजा आया वीडियो देखने में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो। शूलेस बांधोगे क्यों, तुम खुद नहीं बांध सकते क्या? मोए मोए